हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। दिस इज रंजन और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मॉड्यूल नंबर 4 के इस लेक्चर में आज हम लोग सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन मैग्नेटिक सर्किट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि मैग्नेटिक सर्किट के न्यूमेरिकल को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। कौन कौन से 3 टाइप्स थे हमारे पास? टाइप 1 वॉज अ रेगुलर मैग्नेटिक सर्किट हैविंग अ रेगुलर कंडक्टर जिसके अंदर कोई एयर गैप नहीं हुआ करती थी। ऐसे केस में आपको पता है कि वहाँ हम लोग रिलेटिव परमिबिलिटीज को सेम अज्यूम करके रखते थे, ठीक है। देन सेकेंड टाइप मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक सर्किट हैविंग एयर गैप्स, तो ऐसा मैग्नेटिक सर्किट जहाँ पे एक रेगुलर कंडक्टर भी है और उसके बीच का एक सेक्शन जो है वो कट है और उसके अंदर आ जाती है एयर गैप, तो ऐसे सेक्शन को कैसे डील करना है वो हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग वीडियो देखेंगे, क्विकली एक बार इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है, ठीक। तो ये होगा हमारा टाइप 2, दिस विल बी आवर टाइप 2 न्यूमेरिकल ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, जहां पे यूजुअली आपको कुछ इस टाइप की सर्किट्स देखने को मिलेंगी। आपको कुछ ऐसे मैग्नेटिक सर्किट जो होंगे वो देखने को मिलेंगे। ऐसा रिंग शेप्ड कोर होगा और जिसका एक सेक्शन कट रहेगा और उस सेक्शन के बीच में आपको आज मिलेगा एयर गैप या वैक्यूम गैप। और ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे डील करना चाहिए, आपको ऐसे क्वेश्चंस में आप फॉर्मूले कैसे अप्लाई करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे कि क्या गिवन है और क्या पूछा हुआ है, ये सारा कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की, ठीक है। तो चलिए सेशन अपना स्टार्ट करते हैं, क्विकली उठाते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो अभी इस वीडियो में बनाएंगे ही। बहुत ज़्यादा टाइम तो मैं सोच रहा हूँ ना कंज्यूम करें हम लोग, बट शॉर्ट टाइम में जल्दी से जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला सेशन और लेके चलता हूँ मैं डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल पे, और वहाँ से सीखेंगे अगला अपना अप्रोच कि कैसे अप्रोच करना चाहिए इन क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। क्वेश्चन रीड कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए क्विकली। इफ अ रेडियो हैज अ रिंग शेप्ड आयरन कोर ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान रखना ये दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड डायामीटर ऑफ रिंग इज 20 सेंटीमीटर, देन अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.2 mW इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द करेंट फ्लोइंग इन कॉयल ऑफ 300 tons इफ द रिंग हैज अ सॉ कट ऑफ 0.4 mm, देन फॉर अ रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ 1000 ऑफ आयरन कोर कैलक्यूलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई करेंट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रोड्यूस अबव मेंशन फ्लक्स डेंसिटी। स्टूडेंट्स, होता क्या है एग्जाम के ड्यूरेशन में जब आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, इतना बड़ा कोई क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजिंग फॉर्म में सारा डेटा आपको गिवन रहता है, कई बार स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं कि इसमें से समझ नहीं आ रहा कि क्या गिवन है, कैसे अप्रोच करें, शुरू कहाँ से करें। कई बार स्टूडेंट्स जो है मेरे वो मुझसे ये क्वेश्चन जरूर करते हैं कि सर हम लोग शुरू कहाँ से करें, क्वेश्चन में बहुत सारा कुछ पूछा हुआ है, कैसे स्टार्ट करें, बहुत सारा कुछ गिवन है। कुछ नहीं है, बिल्कुल सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझो, अपने वर्ड्स में समझो, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगता है कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके बाद जो अगला लगने वाला 15 मिनट है ना वो कम होकर 10 मिनट में बदल जाएगा अगर शुरू में ही आपने 2 मिनट लगा के समझ लिया उस क्वेश्चन को। तो क्विकली अप्रोच करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे समझोगे आप। तो देखो सबसे पहले क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं, वट एवर इज गिवन टू अस। इसमें लिखा हुआ है एक रेडियो है जिसका रिंग शेप्ड का कोर है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे रफली मुझको ड्रॉ करना हो तो मैं ऐसा कुछ समझूंगा कि एक रेडियो है जिसका ऐसा रिंग शेप्ड का कोर है, ठीक है, और इसके अंदर ऐसे वाइंडिंग की रखी है, ये रफ ऐसे ही एक डायग्राम समझते हैं हम लोग। तो रेडियो हैज अ रिंग शेप्ड आयरन कोर ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बोलता है कि इसका आयरन का कोर है जिसकी क्रॉस सेक्शन यानी इसकी थिकनेस की बात कर रहा है यहां पे, और इसकी थिकनेस जो है दिस इज ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ ये क्या चीज गिवन है, दिस इज एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इज गिवन। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां क्विकली लिख लेता हूं कौन सा डेटा गिवन है। सो दिस डेटा इज आवर क्रॉस सेक्शन एरिया, ए की वैल्यू मिल गई मुझको यहां से। आगे लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ रिंग इज 20 सेंटीमीटर, यानी ये जो पूरा रिंग है इसकी जो डायमीटर बनती है यहां से यहां तक की, दिस इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर्स। तो आप समझ गए होंगे इस डायमीटर का क्या यूज करने वाले हैं हम लोग, वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर डायमीटर फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेंथ। अब उस पूरी रिंग की एंटायर लेंथ अगर मुझको कैलकुलेट करनी है तो वो मैं इस डायमीटर की हेल्प से कैलकुलेट करने वाला हूं। तो मतलब ये जो सेक्शन है ये मेरा किस कैलकुलेशन में काम आएगा, लेंथ की कैलकुलेशन में आएगा। ध्यान रखना ये लेंथ नहीं है, दिस इज नॉट द लेंथ, ये तो डायमीटर ही है, इसका यूज करेंगे हम लोग एल टोटल कैलकुलेट करने में, टोटल लेंथ ऑफ द रिंग, उस रिंग की टोटल लेंथ।
चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.2 मिली वेबर, इसमें करेक्शन होना चाहिए, अब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो, दिस शुडंट बी अ डेंसिटी, ये डेंसिटी नहीं है, दिस इज नॉट डेंसिटी, अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 0.2 मिली वेबर, एक फ्लक्स फाई जो है जिसकी वैल्यू 0.2 मिली वेबर है वो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। तो चलो कितना फ्लक्स है भाई, फाई की वैल्यू गिवन है ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई, एक और वैल्यू मुझको मिल गई, इज प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन अ कॉइल ऑफ 300 टर्न्स, मतलब यहाँ जो कंडक्टर कॉइल लगे हुए हैं यानी एन की वैल्यू जो है दैट इज 300, ये मैं लिख सकता हूँ कि ये 300 टर्न्स जो है ये एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ तक भी डेटा समझ में आ गया। आगे देखते हैं, इफ अ रिंग हैज अ सॉ कट ऑफ 0.4 mm, बोलता है कि रिंग के अंदर एक सॉ कट है, सॉ समझते हो ना आरी, उससे कट कर दिया गया उस रिंग को, ठीक है, और वो जो कट लगा है उसके अंदर वो 0.4 मिलीमीटर का है, मतलब यहां कहीं से मैं इस रिंग को कट कर देता हूं, ऐसे कट गया ये रिंग, ठीक है, और ये जो कट लगा है ये सेक्शन यहां से यहां तक 0.4 mm की है, ठीक है, अभी इसका फेयर डायग्राम बनाएंगे और आसानी से समझ में आएगा आपको। तो मतलब आप तो थोड़ा सा सोच के बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द रिंग हैज अ सॉ कट ऑफ 0.4 mm, यहां से यहां तक की लेंथ गिवन है आपको, यहां से यहां तक क्या चीज है, जब कुछ भी नहीं है तो देयर इज एयर, और एयर की लेंथ गिवन है, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं कि ये जो सॉ कट है ना, दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ एयर गैप, LG से डिनोट कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है, लेंथ ऑफ गैप इज गिवन, देन फॉर अ रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ 1000 फॉर आयरन कोर, ऑब्वियस थिंग है एयर की तो 1 होती है, हमको भी पता है, तो अगर रिलेटिव परमिबिलिटी बोलता है कि 1000 है किसका, आयरन कोर का, दैट मीन दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू आर ऑफ आयरन, म्यू आर ऑफ आयरन, ठीक है, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ आयरन कोर गिवेन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट, यानी टू फाइंड, क्या चीज हो गया यहां पे, सप्लाई करंट, ये जो आपको फाइंड करने को बोला हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट, ये आपको कैलकुलेट करने वाली रिक्वायर्ड क्वांटिटी मिल गई आपको यहां से, ठीक है, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रोड्यूस अबव मेंशनड फ्लक्स, या अबव मेंशनड फ्लक्स डेंसिटी लिखा हुआ है, दिस शुड बी फ्लक्स, क्लियर है यहां तक आपको। चलो सोल्यूशन पे अप्रोच करते हैं, क्विकली सोल्यूशन पे चलते हैं, सोल्यूशन पार्ट शुरू करते हैं, सबसे पहले जैसा हम लोग लिखा करते हैं वैसे ही लिखेंगे, बिल्कुल यहां पे भी सोल्यूशन में गिवन, ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम गिवन सेक्शन, देखो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन है वैल्यू ऑफ ए दैट इज 2 cm², तो चलो मैं लिख लेता हूं वैल्यू ऑफ ए क्रॉस सेक्शन एरिया ए इक्वल्स टू 2 cm², क्विकली कन्वर्ट कर लिया, -4 m², देन वी हैव अ डायामीटर ऑफ द रिंग एज 20 cm, तो भाई अगर डायामीटर बोल रहा है तो मैं काम करता हूँ ना, मैं सीधे रिंग ड्रॉ ही कर लेता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा इजी हो जाएगा, तो चलो भाई रिंग बना लेते हैं यहाँ, सपोज कर लो एक रिंग बना लिया मैंने, कुछ ऐसी दिखेगी अपनी मैग्नेटिक रिंग, और इस पूरी रिंग की जो डायामीटर है इट इज़ गिवन एज, इस रिंग की यहाँ से यहाँ तक की जो डायामीटर है ये आपको बता रखा है इसने, दिस डायामीटर इज गिवन एज, कितना गिवन है भाई 20 cm, तो इट इज गिवन एज 20 cm, ठीक है, इतना डेटा गिवन है, मिल गया यहां तक का डेटा। अच्छा इसकी थिकनेस, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये भी गिवन थी हमको, ये एरिया दे रखा था हमको 2 × 10⁻⁴ m² क्रॉस सेक्शन एरिया मिल गई, लेंथ मिल गई, लेंथ तो नहीं मिली है, डायमीटर इज गिवन, लेंथ तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, देन अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 0.2 मिली वेबर इज प्रोड्यूस्ड, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो है इसकी वैल्यू भी गिवन है, देन अ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई ऑफ 0.5 मिली वेबर बोला है तो 10⁻³ weber, लिख लेता हूं मैं इसको, अरे यार इट वॉज -2, चलो इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है 0.2 मिली वेबर लिखा हुआ है, तो 0.2 मिली वेबर हो गया, इस प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल ऑफ 300 टर्न्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ एन, नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स, नंबर
ऑफ कंडक्टर टर्न्स एन इज 300। ठीक है, फिर इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, इफ द रिंग हैज अ सॉ कट ऑफ 0.4 मिलीमीटर, रिंग में सॉ कट लगा हुआ है 0.4 mm का, तो चलो सॉ कट लगा लेते हैं हम लोग भी। यहां कहीं से हो सकता है इस रिंग के अंदर कुछ कट लगा हुआ है, और ये जो कट लगा हुआ है दिस इज ऑफ 0.4 mm, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, तो क्या मैं इसको सीधे सीधे लिख सकता हूं, लेंथ ऑफ एयर गैप इज 0.4 mm। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टली उसको उसी नोटेशन के फॉर्म में लिख दिया, और चलो यहां पे भी मेंशन कर देते हैं कि लेंथ ऑफ गैप, लेंथ ऑफ एयर गैप इज 0.4 इंटू 10^-3 मीटर्स, क्योंकि भाई लेंथ है ना, लेंथ और एरिया मीटर है, वो मीटर स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, उसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया मैंने। चलो वापस चलते हैं क्वेश्चन पे, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू, अच्छा देन फॉर अ रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ 1000 ऑफ आयरन कोर, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ आयरन कोर दैट इज म्यू आर ऑफ आयरन इज गिवन एज 1000, ये भी गिवन है आपको। ठीक है चलो वापस चलते हैं क्वेश्चन पे, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट टू बी ट्रांसफर टू प्रोड्यूस द अबव मेंशन्ड फ्लक्स। ठीक है वापस चलो क्वेश्चन पे, अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ कुछ कंडक्टर टर्न्स भी थे, तो नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स भी अप्लाई कर लेते हैं क्विकली हम लोग यहाँ पे। ठीक है ये सप्लाई करंट जो है इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो ये सप्लाई करंट कितना होने वाला है, दिस इज आवर क्वेश्चन। ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ऐसा कुछ सर्किट आपके सामने बन के आ रखा है। कैसे अप्रोच करेंगे, जैसे ही जब क्वेश्चन में आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया, क्वेश्चन से गिवन निकाल लिया, और चलो एक और बचा हुआ काम कर ही लेते हैं, चलो दूसरे कलर से इसको मैं लिख लेता हूं, टू फाइंड क्या फाइंड करना है भाई, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट आई। तो जैसे ही मैं ये चीज बोलूं कि क्या फाइंड करना है, आपके माइंड में क्विकली आना चाहिए कि करंट से रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले आप लोगों ने इस पूरे यूनिट में पढ़े हुए हैं, ठीक है, जहां पे आई की वैल्यू कहीं ना कहीं आती है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, तो ये चीज अगर आपके माइंड में आ गया कि करंट से रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, तो क्विकली आप इस पर अप्लाई करने का सोच सकते हो कि हम इन सारे फॉर्मूले में से कौन सा अप्लाई करें इस क्वेश्चन पे। तो करंट से रिलेटेड फॉर्मूला मैं अगर एमएमएफ की वैल्यू चेक करूं, तो मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है कि एमएमएफ इक्वल टू फाई एस होता है, ठीक है, और एमएमएफ ही इक्वल टू एनआईबी होता है, एचएल भी होता है, लेकिन फिलहाल मुझको जिसकी जरूरत है ऐसा कोई भी मुझको फॉर्मूला चाहिए जहां पर करंट आ जाए, ठीक है, वो ये फॉर्मूला था, लेकिन अकेले इससे तो कैलकुलेट हो नहीं सकता क्योंकि एमएमएफ की वैल्यू तो मेरे पास है ही नहीं, तो एमएमएफ निकालने के लिए मैं फाई एस का यूज कर सकता हूं, हाँ या ना, पहले इसको समझ लेते हैं। फाई एस के लिए देखो मेरे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाई की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, कहां गिवन है, देखो ये फाई लिखा हुआ है यहां पे, 0.2 मिली वेबर का फ्लक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। रिलक्टेंस निकालने के लिए मुझको चाहिए, अच्छा अब मेरे माइंड में तुरंत ये चीज आनी चाहिए, आप सभी के माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि देखो रिलक्टेंस क्या होता है, नंबर ऑफ मीडियम के हिसाब से डिपेंड करता है। यहां मेरे पास एक मीडियम आयरन सेक्शन का है, ठीक है, और दूसरा मीडियम जो है जहां से फ्लक्स गुजरेगी दैट इज ऑफ एयर गैप, ये एयर गैप का सेक्शन है, तो नंबर ऑफ मीडियम्स आर टू, तो रिलक्टेंस भी दोनों की अलग अलग निकलेगी, फिर दोनों का आप सम करोगे दैट विल बी टोटल रिलक्टेंस, ये एकदम क्लियर रखना। ठीक है, तो अलग अलग रिलक्टेंस निकालने के लिए मुझको दोनों का इंडिविजुअल लेंथ चाहिए, भाई एयर गैप का दे रखा है यहाँ पहले से, इस मेटालिक सेक्शन का लेंथ आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, आप इस डायमीटर का यूज करके पहले टोटल लेंथ निकाल लो, उसमें से एयर गैप की लेंथ को माइनस कर दो, जो रिमेनिंग होगा दैट विल बी द लेंथ ऑफ आयरन सेक्शन, तो लेंथ तो हो गया। एरिया भाई यूनिफॉर्म है क्योंकि पूरे सिस्टम में कहीं ना लीकेज हो रहा है ना फ्रिंजिंग हो रहा है, दैट मीन्स एक यूनिफॉर्म एरिया है, तो जो गिवन है वो दोनों केस में आप यूज कर लोगे। म्यू आर की वैल्यू आयरन के केस में ऑलरेडी गिवन है रिलेटिव परमिएबिलिटी,
और एयर का आप सभी जानते हो, दैट इज वन क्वेश्चन आराम से बन सकता है। अब क्वेश्चन है कि एन दिया हुआ है कि नहीं इस न्यूमेरिकल के अंदर, तो ऑब्वियस थिंग है एन इज गिवन टू बी 300। तो पूरा क्वेश्चन तुरंत के तुरंत यहीं पे आप आधा गेम जीत चुके हो, आपका क्वेश्चन यहीं बन गया है। अब अगर आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ नहीं करते हो तो क्वेश्चन सॉल्व, आपका जो भी जिस मार्क्स का ये क्वेश्चन था वो तुरंत आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब फोकस्ड होकर हम लोग चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फटाफट सॉल्व करेंगे। देखो रिलक्टेंस निकालने के लिए मुझको लेंथ चाहिए, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, पहले लेंथ निकालूंगा इस पूरे सर्कल का। तो चलो सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। नाउ वी विल राइट टोटल लेंथ ऑफ रिंग। भाई इसका फॉर्मूला क्या है, एल इक्वल टू पाई इंटू डी। अच्छा इसको मैं एल टोटल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पूरी रिंग का टोटल लेंथ। ध्यान रखना टोटल में एयर गैप भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो मैं अब यहां पे लिखता हूं एल टोटल इक्वल टू पाई इंटू डायामीटर की वैल्यू है मेरे पास 20 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 2। देयरफॉर एल टोटल इक्वल्स टू, कैलकुलेट कर लो भाई आप लोग भी, तो पाई इंटू 20 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 2, ये वैल्यू आ गई मेरे पास 0.628 meters। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास टोटल लेंथ। ये लेंथ किसका आया, ये लेंथ आ गया मेरे पास पूरी की पूरी रिंग का, रिंग का टोटल लेंथ आ गया। ये मेरे काम का नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि मुझको रिलक्टेंस तो इंडिविजुअल के फॉर्म में कैलकुलेट करना है, फिर उसको टोटल करना है। तो मैं क्या करूंगा अब इस लेंथ का कैसे यूज करूं आगे, चलो देखते हैं, देखते हैं चलो आगे इसका क्या करने वाला हूं मैं। नाउ लेंथ ऑफ एयर गैप, भाई लेंथ ऑफ एयर गैप तो ऑलरेडी नोन है ना मुझे, इज 0.4 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3 मीटर्स। सो लेंथ ऑफ आयरन रिंग एल ऑफ आई, से इसको मैं डिनोट कर देता हूं, शुड बी इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस लेंथ ऑफ गैप। बिल्कुल सिंपल है, टोटल लेंथ में से एयर गैप को माइनस कर दो। देयरफॉर लेंथ ऑफ आयरन इज इक्वल टू, भाई टोटल लेंथ था मेरे पास 0.628, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं 0.4 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3 को, 0.627 के अप्रॉक्स हो सकता है बच्चे, चलो देखते हैं 0.628 माइनस 0.4 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3, 0.627। लेंथ ऑफ आयरन इज 0.627 मीटर्स। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास अब आयरन सेक्शन के लेंथ के फॉर्म में आ चुकी है। तो अभी तक मैंने क्या क्या किया, टोटल लेंथ निकाला उस डायमीटर का यूज करके, और लेंथ ऑफ एयर ऑलरेडी गिवन था, एयर गैप की लेंथ वाज ऑलरेडी गिवन, और दोनों के हेल्प से मैंने लेंथ ऑफ आयरन कैलकुलेट कर लिया। ये चीजें हम लोग क्यों कर रहे हैं, जस्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिलक्टेंस, रिलक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। लेंथ ऑफ आयरन भी आ गया हमारे पास, अब क्या करना चाहिए, रिलक्टेंस चलो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। नाउ टोटल रिलक्टेंस, नाउ टोटल रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट इज गिवन एज एस टोटल, दैट इज इक्वल टू रिलक्टेंस ऑफ आयरन प्लस रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप, ऐसे ही लिखना चाहिए। नाउ रिलक्टेंस ऑफ आयरन के लिए मुझे चाहिए लेंथ ऑफ आयरन अपॉन एरिया ऑफ आयरन इंटू म्यू नॉट एंड म्यू आर ऑफ आयरन। सिमिलरली मुझको चाहिए प्लस लेंथ ऑफ एयर गैप अपॉन एरिया ऑफ एयर गैप देन म्यू नॉट एंड म्यू आर ऑफ एयर गैप। ये इतना डेटा चाहिए आपको, यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दोगे एस टोटल की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो चलो क्विकली इसको भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। अब मुझे चाहिए यहाँ पे एस टोटल की वैल्यू, सबसे पहले चाहिए लेंथ ऑफ आयरन दैट इज 0.627,
अपॉन एरिया ऑफ आयरन, तो एरिया भाई क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 0.2 इंटू 10^-4, कितना एरिया गिवन है आपको क्वेश्चन में देख लेते हैं भाई एक बार, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सो क्रॉस सेक्शन, हाँ ठीक है, इट इज 0.2 इंटू 2 × 10^-4। ठीक है, सो इट इज 2 × 10^-4। चलो फिर इंटू म्यू नॉट, अरे म्यू नॉट मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसको डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। चलो 4π × 10^-7 इंटू म्यू आर, तो भाई म्यू आर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ आयरन कोर इज गिवन टू बी 1000। तो चलो यहाँ पे मैं 1000 भी पुट कर दूँ, तो ये हो गया इंटू 1000 प्लस एयर गैप पे आते हैं, तो लेंथ ऑफ एयर गैप दैट इज 0.4 × 10^-3 अपॉन, भाई एरिया तो यूनिफॉर्म है तो इट शुड बी 2 × 10^-4। ठीक है, अगेन म्यू नॉट, तो भाई म्यू नॉट के लिए हम लोग को लिखना चाहिए 4π × 10^-7, और आप लोग मुझको बताओ म्यू आर के लिए क्या लिखना चाहिए, म्यू आर ऑफ एयर गैप दिस शुड बी 1, एयर और वैक्यूम के केस में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। ठीक है, तो चलो इतने डेटा को तुरंत हम लोग भी सॉल्व कर लेते हैं, मैं भी सॉल्व कर लेता हूं। तो चलो मैं सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैंने लिख के रखा हुआ है वैल्यू, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व करके देखा हुआ है, तो चलो मैं सीधे आपको वैल्यू बताता हूं, तब तक आप लोग भी इसको सॉल्व करो। तो इसकी वैल्यू है एस टोटल इक्वल्स टू 4086303.163 ampere turns per weber। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व कर रखा था, आप लोग जरूर सॉल्व करके देखते जाना पूरे न्यूमेरिकल को। ठीक, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, इतने पोर्शन को इतनी कुछ वैल्यू मिली हमको यहाँ से। तो अब ये हमारे पास एस टोटल की वैल्यू आ गई, नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होने वाला है कि देखो फाइव एस इक्वल्स टू एन आई कर रहा हूँ मैं, तो फाइव एस में फाइव भी पता है, एस अब पता चल गया, एन आई में एन की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, बस सीधे सीधे करंट निकालना है। तो चलो करंट निकालने के लिए लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप पे पहुंचते हैं हम लोग सीधे। तो क्या करेंगे हम लोग, नाउ फाइव एस इज इक्वल्स टू एन आई और आई इक्वल्स टू फाइव एस अपॉन एन, देयरफॉर करंट इज इक्वल्स टू, भाई फाइव की वैल्यू कितनी गिवन है, चलो देख लेते हैं फाइव की वैल्यू कितनी गिवन थी। द वैल्यू ऑफ फाइव इज 0.2 × 10^-3, 0.2 मिली वेबर दिया हुआ है और n की वैल्यू जो है दैट इज 300, तो दोनों को पुट कर लेते हैं यहां पे, 0.2 × 10^-3, ठीक है, इंटू, और ऊपर जरा देख लें रिलक्टेंस की वैल्यू कितनी निकाले थे हम लोग, उसको पुट कर देते हैं 4086303.163। ठीक है, इतनी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ करंट। तो चलो आप लोग भी कैलकुलेट कर लो मेरे साथ, वैल्यू क्या क्या लिखना है हमको इसमें, 0.2 × 10^-3, देन मल्टीप्लाइंग इट विथ 4086303.163 अपॉन 300, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स, और यहाँ पे फाइनल वैल्यू ऑफ करंट जो हमारे पास आ रही है दैट इज 2.724 amperes, वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट इज 2.724 amperes, ये फाइनल वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हमारा आंसर भी हो गया, बिल्कुल इजीली सॉल्व किया। देखो हमारा अप्रोच कहाँ से क्लियर हो गया था, यहाँ अभी हम लोगों ने क्या किया, दिस इज जस्ट अ कैलकुलेशन पार्ट, इसमें कोई दिमाग लगाने वाला सीन नहीं था, जो दिमाग लगाया ना वो यहाँ कहीं पे लगाया हम लोगों ने, इससे पहले इस पॉइंट पे। यहाँ पे हम लोगों ने लगाया दिमाग कि हमको इस पूरे सिस्टम के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में
कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, ये हमारा पूरा अप्रोच था। ठीक है, आई होप कि आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो सारा सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। जिस पॉइंट पे आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको रोक के उसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख के खुद भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। बहुत ईजी है ऐसे क्वेश्चन, इनमें कोई खास कुछ टफनेस है नहीं। देखो क्या चीज़ है, क्या क्या किया एक बार क्विकली रिव्यू कर दूं, चूंकि पहला क्वेश्चन है, इसको रिव्यू करना तो बनता है, तो जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया वॉज गिवन, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू वॉज गिवन, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है वो भी दिया हुआ है, और लेंथ ऑफ एयर गैप भी दिया हुआ था। आपको बोला हुआ था कि एक पूरी रिंग है जिसकी डायमीटर 20 सेंटीमीटर है और इतने का एयर गैप है, इतनी इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया और इतना कुछ नंबर ऑफ टर्न है। तो आप फाइंड करके बताओ कि इसकी सप्लाई करंट कितनी हम लोग दे रहे हैं सो दैट इतना अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने गिवन लिखा, उसके बाद हम लोग सीधे सीधे ये देखे कि जो फाइंड करना है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। तो ये सबसे रीजनेबल फॉर्मूला दिखा कि एम एफ इक्वल्स टू फाइव एस इक्वल्स टू एन आई, और हम लोग तुरंत चेक कर लिए कि इसमें से कौन कौन सा डेटा आसानी से निकल सकता है या डायरेक्टली दिया हुआ है, सो दैट कि आई हमारे लिए फाइंड करना आसान हो जाए। तो हम लोगों ने देखा कि फाइव की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, फाइव वॉज गिवन, एस की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखा कि रिलक्टेंस दो मीडियम अब हो गया है, तो दो मीडियम के लिए दो फॉर्म में निकलेगा, तो दो अलग अलग सेक्शन का रिलक्टेंस उसको टोटल कर दोगे तो दैट विल बी एस टोटल, और फिर इक्वेट कर दिया इसको एनआई से जो कि एमएफ का ही फॉर्मूला है, एन वाज ऑलरेडी गिवन, वहां से करंट निकाल लेंगे। तो हम लोग का अप्रोच तो यहीं पे क्लियर हो गया था कि क्वेश्चन को कैसे आगे सॉल्व करने वाले हैं। इसके आगे जो मैंने किया हुआ है दैट इज जस्ट अ कैलकुलेशन पार्ट, उसमें कुछ भी खास नहीं रखा है, जो इंपॉर्टेंट था वो बस यहीं तक था, इसके आगे का पार्ट तो आप लोग कर ही लोगे, बहुत आसान है ये। ठीक है, तो टोटल लेंथ निकाला, टोटल लेंथ में से एयर गैप की लेंथ को माइनस कर दिया, तो जो रिमेनिंग आया दैट इज द लेंथ ऑफ आयरन सेक्शन। अब मेरे पास दोनों की सेपरेट लेंथ भी मिल गई, दोनों का एरिया यूनिफॉर्म होने के कारण दोनों का एरिया बिल्कुल सेम मिला मुझको। म्यू आर की वैल्यू गिवन थी आयरन के केस में, और एयर के केस में इट इज ऑलरेडी वन जो हमको पता है। म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिबिलिटी इज ऑलवेज सेम, 4.2×10⁻¹। तो सारा डेटा पता था, डायरेक्टली हम लोग यहाँ सीधे फॉर्मूले लगाए, रिलक्टेंस के फॉर्मूले में आए, एस आई प्लस एस जी, रिलक्टेंस ऑफ आयरन प्लस रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप, इन दोनों का सम विल बी टोटल रिलक्टेंस, ये बनता है इसका फॉर्मूला। इसके अंदर सीधे सीधे मैंने पूरी वैल्यूज को प्लेस कर दिया, सॉल्व किया, ऐसा कुछ वैल्यू मिला। अब मैं वापस चला गया अपने रिलक्टेंस के फॉर्मूले में, अब मैं वापस चला जाऊंगा यहाँ से अपने एमएमएफ के फॉर्मूले में, फाइव एस इक्वल टू एन आई पे, और यहाँ से मैंने आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 2.724। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्विकली उठाते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इससे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आप लोगों को। तो चलो इसको क्लियर कर देते हैं और चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल ऑफ दिस सेम वैरायटी, टाइप टू का एक दूसरा न्यूमेरिकल है जिसकी डिफिकल्टी लेवल पिछले वाले क्वेश्चन से अब थोड़ी ज़्यादा होने वाली है, तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए आपके लिए क्वेश्चन रीड करता हूँ, क्वेश्चन लेके आते हैं बोर्ड पर। तो देखो ध्यान से समझते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इसको समझते हैं। अ स्टील रिंग ऑफ 25 सेंटीमीटर डायामीटर एंड ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन विद थिकनेस ऑफ 3 सेंटीमीटर इन डायामीटर हैज एन एयर गैप ऑफ 1.5 मिलीमीटर्स इफ इट इज वाउंड यूनिफॉर्मली विद 750 टन्स ऑफ कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 2.1 एम्पीयर्स देन कैलकुलेट द फॉलोइंग थिंग्स। इतनी सारी चीजें आपको कैलकुलेट करने को बोला हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमएमएफ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ स्टील रिंग, और इसी के साथ आपको ये भी अज्यूम करना है कि जो एमएमएफ है, जो मैग्नेटिक पार्ट का यानी कि स्टील सेक्शन का जो एमएमएफ होगा वो टोटल एमएमएफ का 35% डेडिकेटेडली स्टील सेक्शन का ही होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन को एकदम आसान भाषा में फटाफट समझते हैं एक बार क्विकली। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक स्टील का रिंग है 25 सेंटीमीटर डायामीटर का। ठीक है, अगर मैं यहाँ आपके साथ इसको ड्रॉ भी करना शुरू कर दूँ रफ में, तो देखो ये ऑलमोस्ट कैसा दिखना चाहिए। ये ऐसा सपोज कर लो कि एक स्टील से बना हुआ रिंग है। ठीक है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि एक स्टील रिंग है हमारे पास। ठीक है, एंड इट इज हैविंग अ डायामीटर ऑफ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का यहां से लेकर यहां तक इसका डाया दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर्स। क्लियर है, आगे लिखा हुआ है इसकी सर्कुलर सेक्शन का थिकनेस है 3 सेंटीमीटर इन डायामीटर, यानी अब आपको यहां पे एरिया नहीं दिया हुआ है, आपको ये बोलता है कि ये वाली जो थिकनेस है इसका डाया है 3 सेंटीमीटर, यानी दो डायामीटर्स हैं। ऑब्वियस थिंग है, मैंने पुराने पिछले वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि ये वाली जो डायामीटर है इस पूरी रिंग की टोटल डायामीटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दैट रिंग एंड द डायामीटर ऑफ इट्स थिकनेस विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रिंग। ठीक है,
तो इस डायमीटर का यूज करोगे आप पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर के फॉर्मूले में, दैट इज फॉर एरिया। तो आगे बढ़ते हैं, देखो क्या क्या दिया हुआ है इस डेटा के अंदर, इस सिस्टम के अंदर पहले समझ लेते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि इट इज हैविंग अ एयर गैप ऑफ 1.5 mm। इस पूरे सेक्शन में एक एयर गैप भी है, 1.5 mm की एयर गैप है। तो चलो यहाँ एयर गैप क्रिएट कर लेते हैं, इतने पोर्शन के अंदर एयर गैप है। तो ये ऑलमोस्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको एयर गैप, और ऐसा सेक्शन बनता है यहां से यहां तक की जो लेंथ है दैट इज 1.5 mm। तो ये 1.5 mm जो है इट इज अ लेंथ ऑफ एयर गैप, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है कि इट इज वाउंड यूनिफॉर्मली विद 750 टर्न्स ऑफ कंडक्टर, यानी n की वैल्यू आपको गिवन है यहां पे, n इज इक्वल टू 750 टर्न्स एंड इट इज कैरिंग अ करंट ऑफ 2.1 एम्पियर, यानी यहां पे फ्लो होने वाली करंट i की वैल्यू है 2.1 एम्पियर। ध्यान देना इस पूरे सिस्टम के अंदर म्यू आर की वैल्यू इज नॉट गिवन, पूछा हुआ है आपसे। तो देखते हैं, सीधे सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं, गिवन लिखते हैं और समझते हैं कि कैसा क्वेश्चन बनेगा, अप्रोच कैसे करेंगे। एक बेसिक अप्रोच आप सभी स्टूडेंट्स को मैं अगर बताऊं तो ऐसे मैग्नेटिक सर्किट या इस टाइप के कोई भी चैप्टर इलेक्ट्रिकल के जो एंटायरली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जिनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक समझने की जरूरत नहीं, आपको बस क्वेश्चन समझना है और फॉर्मूले आपके माइंड में फिट रहने चाहिए, तो ऐसे किसी भी चैप्टर में आप अप्रोच कैसे करते हो, यहाँ से समझते हो कि कौन सी चीज़ आपसे पूछा हुआ है और उसके लिए कौन कौन से उससे रिजेम्बलिंग कौन कौन से फॉर्मूले आप जानते हो, उसको एनलिस्ट कर दो। आपके सामने एक लिस्ट आ जानी चाहिए कि अच्छा MF पूछा है तो मतलब φS, NI, HL ऐसा कुछ होता है, और उनमें से जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से आप वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे। यही बेसिक थिंग होता है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के क्विकली चलते हैं इसके सोल्यूशन पार्ट पे, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं बोर्ड को, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले चलो लिख लेते हैं यहाँ पे सोल्यूशन, सोल्यूशन में मैं लिखूंगा गिवन, देखते हैं गिवन में मेरे पास कौन कौन सी डेटा है। तो गिवन में देखें मेरे पास क्या क्या है, डायामीटर ऑफ 25 सेंटीमीटर, डायामीटर ऑफ अ रिंग, तो डायामीटर d1 कर लेता हूं, इट इज 25 × 10⁻²⁻²⁻¹ मीटर्स। वैसे ही डायामीटर ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन, उसकी क्रॉस सेक्शन का जो डायामीटर है दैट इज 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 10⁻²⁻¹ मीटर्स, ठीक है। और देखो क्या डेटा गिवन है, इसकी एयर गैप है 1.5 mm की, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि इट इज द लेंथ ऑफ एयर गैप, दैट इज 1.5 × 10⁻³⁻¹ मीटर्स। देखो प्रॉपर यूनिट में चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आके सही सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू कीप ऑल द थिंग्स इन देयर प्रॉपर यूनिट। आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्मली वोन्ड विथ अ कॉयल टर्न, दैट इज एन की वैल्यू है 750 टर्न्स, ठीक है। देन इट इज कैरिंग अ करेंट ऑफ 2.1 एम्पियर्स, सो द वैल्यू ऑफ आई इज 2.1 एम्प्स। ये अपने पास डेटा आ गया इतना, ठीक है। आगे और कुछ भी गिवन है क्या, कुछ नहीं गिवन है इसके अलावा, सीधे मैं सर्किट ड्रॉ करने वाला हूँ अब, तो चलो सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं। चलो पहले तो एक रिंग ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास एक रिंग आ गई, ठीक है, और इसके ऊपर कर देते हैं कंडक्टर वाइंडिंग्स, कुछ कंडक्टर टर्न्स की वाइंडिंग कर लेते हैं यहां पे हम लोग, ठीक है। जो भी डेटा है अवेलेबल उसको यहां पे हम लोग प्लेस कर लेते हैं, जैसे कि यहां पे टोटल डायामीटर इज गिवन, ठीक है, डाया की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, और सेकेंड पार्ट में इस सेक्शन के अंदर देखो तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसको निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड डायामीटर चाहिए हमको वो भी गिवन है। यहां इस सेक्शन की डायामीटर है 3 सेंटीमीटर्स, इतना तो क्लियर हो गया आपको। अब इसके आगे, तो अब इसके आगे हमारे पास है
एक एयर गैप लिखा हुआ है, एक एयर गैप इंट्रोड्यूस हो गया सिस्टम के अंदर, तो इसको मिटा देते हैं, इसको कट कर दिया मैंने इस पोर्शन को, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ एयर गैप ठीक है, और इस एयर गैप की लेंथ जो है वो मुझको गिवन है, एयर गैप की लेंथ यहाँ से यहाँ तक की गिवन है 1.5 × 10⁻³ meters। ये कौन सी चीज़ है, दिस इज लेंथ ऑफ गैप। एक चीज़ आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर एयर गैप दिया हुआ है सिस्टम में तो इसकी म्यू आर अगर क्वेश्चन में ना दी हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इसकी म्यू आर हमेशा वन होगी, एयर हो चाहे वैक्यूम हो, म्यू आर तो पता चल गया आपको इसका। इस सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा मीडियम है, मल्टीपल मीडियम है, दो मीडियम है, एक ये वाला मीडियम जो दिख रहा है, दिस मीडियम इज ऑफ स्टील ठीक है, ये पूरा मीडियम जहाँ से ये पूरी फ्लक्स जो होगी आपकी जो ट्रांसफ़र हो रही है ठीक है, ये स्टील का मीडियम है, ये पूरा स्टील का सेक्शन है ठीक है, जबकि ये जो दूसरा पोर्शन है दिस इज मेड अप ऑफ एयर, जहाँ कुछ नहीं है वो एयर है, और मैग्नेटिक फील्ड है तो डेफिनेटली एयर से भी ट्रांसफर हो सकती है ठीक है, तो अगर ये एयर से भी ट्रांसफर हो सकती है तो हमारे पास दो मीडियम है जिसकी म्यू आर अलग अलग है, स्टील की कुछ अलग म्यू आर है, एयर की अलग म्यू आर है, दैट इज वन। और अब अगर कभी किसी सर्किट के अंदर हमको रिलक्टेंस फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी तो इंडिविजुअली दो रिलक्टेंस के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको हम सम अप करेंगे, खैर उस पर बाद में जाएंगे, फिलहाल अभी क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं, आपको अप्रोच कैसे करना है ये आप समझते जाओ सीधे। तो अभी मैंने गिवन लिख दिया मेरे पास क्या क्या डेटा है, अब टू फाइंड में चलते हैं। नाउ टू फाइंड, सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको फाइंड करना है दैट इज MMF ठीक है, देन सेकेंड थिंग जो फाइंड करना है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में अपने समझने के हिसाब से लिख लेता हूं फाई, देन थर्ड थिंग इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप, फ्लक्स डेंसिटी को बी से डिनोट किया और गैप के लिए जी से डिनोट कर दिया, और फोर्थ पॉइंट में क्या फाइंड करना है हमको, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ स्टील रिंग, तो म्यू आर ऑफ स्टील स्मॉल एस से इसको डिनोट कर दिया। इतना कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल है ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट अब शुरू करते हैं, ये टू फाइंड तक तो हो गया, सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मुझको MMF फाइंड करना है, तो आपका थॉट प्रोसेस कैसे वर्क करना चाहिए, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि सर MMF निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला है, फाइव एस, एक बार चलो रफ वर्क एक छोटा सा कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि MMF अगर कहीं फाइंड करने को बोला हुआ है तो इसके तीन फॉर्मूले हैं, या तो फाइव एस है, या NI है, या HL है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज़्यादा आसान किस फॉर्मूले के थ्रू जाना होगा, फाइव एस में फाइव की वैल्यू अननोन है क्योंकि फाइव तो पूछा हुआ है आपसे यहाँ पे, एस जैसे तैसे आप निकाल भी अगर लेते हो तो फाइव तो अननोन है, कुछ नहीं कर सकते। एच एल में अगर आप जाओगे तो एच के लिए अगेन यू नीड NI अपॉन L, और वहाँ पे फिर से एक L की वैल्यू लगेगी आपको, टोटल थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज अगर आप इस वाले फॉर्मूले पे जाते हो MMF इक्वल्स टू NI, तो थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे N भी गिवन है और I की वैल्यू भी गिवन है, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो ऐसे आप पता लगाओगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करके आप कैसे चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है। तो चलो फिलहाल अभी के लिए तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी के लिए तो इस पूरे पोर्शन को हटा देते हैं हम लोग ठीक है, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन पार्ट में शुरू करते हैं, देखो सबसे पहले आगे चल के मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है मैं उसको फिलहाल अभी यहीं के यहीं सॉल्व करते जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं सॉल्व लिखूँगा एल टोटल इक्वल्स टू पाई इंटू डी, सबसे पहले मैं पूरी रिंग का टोटल लेंथ निकालने वाला हूँ, तो एल टोटल शुड बी इक्वल टू पाई इंटू 25 × 10⁻²। ठीक है, यहाँ से टोटल लेंथ की वैल्यू कितनी आती है, मैं भी कैलकुलेटर निकाल रहा हूँ, आप लोग भी निकाल लो भाई। चलो देखते हैं एल टोटल की वैल्यू, दिस शुड बी पाई इंटू D, that is D is 25 × 10⁻²। तो ये वैल्यू आई 0.785, L total is 0.785 meters। बिल्कुल ईजी था, टोटल लेंथ निकल गया। अब मुझको चाहिए लेंथ ऑफ स्टील सेक्शन,
लेंथ ऑफ स्टील सेक्शन, कि उस पूरी टोटल लेंथ में केवल स्टील का पार्ट कितना है. तो दिस शुड बी लेंथ ऑफ स्टील इक्वल्स टू टोटल लेंथ माइनस लेंथ ऑफ एयर गैप. एयर गैप को माइनस कर दो उसके अंदर से. तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 0.785. और एयर गैप कितना था जरा देख लें. इसमें एयर गैप का लेंथ था 1.5 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3. तो ये हो गया 0.785 माइनस 1.5 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3. इतने को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसमें से. 0.785 माइनस 1.5 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3. और वैल्यू मेरे पास आ गई, लेंथ ऑफ स्टील इज 0.783 मीटर्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. ये मेरे पास डेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है. चलो आगे कैलकुलेशन को कंटिन्यू कर लेते हैं. अब मुझको क्या कैलकुलेट करना है भाई, अब मुझको कैलकुलेट ये करना है कि इस सिस्टम की एरिया कितनी होने वाली है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ठीक है. तो चलो क्रॉस सेक्शन एरिया पे आते हैं. नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है. इंपॉर्टेंट थिंग इज द वैल्यू ऑफ डी दैट यू आर गोइंग टू यूज हियर, इट शुड बी द डायामीटर ऑफ इट्स थिकनेस. उसकी थिकनेस का डायामीटर होना चाहिए. सो इट विल बी समथिंग लाइक ए इक्वल्स टू पाई इंटू 3 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 2 इस पूरे का स्क्वायर अपॉन 4. एंड एरिया, देखो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स या फ्रिंजिंग की बात नहीं किया हुआ है. तो इससे हमको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ फ्रिंजिंग अगर नहीं हो रही है तो मतलब एरिया तो यूनिफॉर्म है. फ्रिंजिंग अगर नहीं हो रही है तो एरिया इज डेफिनेटली यूनिफॉर्म. और अगर एरिया यूनिफॉर्म है तो अगर कभी रिलक्टेंस निकालने की जरूरत पड़ी तो एयर गैप के अंदर भी ए की वैल्यू आप सेम पुट करोगे, ठीक है. तो एरिया की वैल्यू कुछ ऐसा आना चाहिए, 0.0007 मीटर स्क्वायर. ये वैल्यू किस चीज की आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. क्लियर है यहां तक. क्या क्या किया मैंने, एल टोटल निकाला, लेंथ ऑफ स्टील अलग से फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड कर लिया. इतना काम कंप्लीट. आगे बढ़ते हैं. अब देखो क्या फाइंड करने वाले हैं हम लोग. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड, अब स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट पार्ट, वैल्यू ऑफ MMF टोटल. मैं अलग से टोटल क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पे आगे चल के हमको MMF ऑफ एयर गैप और MMF ऑफ आयरन सेक्शन, दोनों की स्टील सेक्शन अलग अलग जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है. तो पहले मैं टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स निकालूं तो ये कैसा होना चाहिए, MMF टोटल इक्वल्स टू भाई फाइव एस तो नहीं लिख सकते हैं, एन आई, ये दोनों डेटा गिवन है मुझे, ठीक है. तो एन आई पे चलते हैं. एन की वैल्यू देखें कितना है, देयर फोर एम एम एफ टोटल इज इक्वल्स टू, देखे जरा कितना था, एन इज 750, आई इज 2.1. तो 750 इंटू 2.1. तो टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स आना चाहिए 750 इंटू 2.1 करके, इट इज 1575 एम्पियर टर्न्स. क्वेश्चन का पहला पार्ट यहीं से सॉल्व हो गया, ठीक है. वैल्यू आ गई हमारे पास 1575 एम्पियर टर्न्स इज द टोटल MMF ऑफ द सर्किट. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी यही था, देख लो आप लोग, है ना, यही पूछा हुआ है आपको क्वेश्चन में, MMF. फिर आगे लिखता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाई, फ्लक्स. फ्लक्स कितना ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम के अंदर. तो चलो फ्लक्स कैसे निकालें यहाँ से, चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, नेक्स्ट पेज शुरू करते हैं. सेकेंड पार्ट, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स
हम लोग जानते हैं कि बी इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ये एक तरीका है कैलकुलेट करने का, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाएगी कि ना तो मेरे पास बी की वैल्यू है ना मेरे पास फाई की वैल्यू है, तो मैं अकेले एरिया का यूज़ करके क्या कैलकुलेट करूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी फ़िलहाल इस फॉर्मूले का नहीं यूज़ करूँगा, ये फॉर्मूला अभी मेरे लिए यूज़लेस है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं फिर से एक बार MMF के फॉर्मूले में जाके देखता हूँ, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। MMF is equals to phi s, MMF की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, ठीक है, 1575 जो आया एम्पियर टर्न्स, मतलब ये है मेरे पास, दिस इज अवेलेबल, ये MMF जो है दिस इज अवेलेबल, ये है। phi तो कैलकुलेट करना है तो इसको छोड़ देते हैं अभी। रिलक्टेंस पे अगर मैं जाऊं तो मुझको पता है कि रिलक्टेंस s टोटल इक्वल्स टू रिलक्टेंस ऑफ स्टील प्लस रिलक्टेंस ऑफ गैप के फॉर्म में चाहिए, और फिर अगर जैसे ही मैं स्टील को लूंगा म्यू आर वाला चक्कर आ जाएगा, रिलेटिव परमिबिलिटी के बिना वो बनेगा ही नहीं, तो मतलब मुझको ये रिलक्टेंस ऑफ स्टील तो नहीं चाहिए, इसको तो मुझको हटाना है, लेकिन अब बचेगा रिलक्टेंस ऑफ गैप, इसको भी मैं हटा देता हूँ इस पार्ट को, अब बचता है सिर्फ रिलक्टेंस ऑफ गैप। तो किसी तरीके से अगर मैं इस रिलक्टेंस ऑफ गैप को उठा के प्लेस कर दूं यहां पे इसकी जगह पे, ठीक है, यहां कहीं पे प्लेस कर दूं, ये आ जाए यहां पे, और फाई निकालने के लिए MMF का क्या करूं मैं, MMF भी तब उस पर्टिकुलर केस में मुझको MMF ऑफ एयर गैप रखना चाहिए, ऐसा तब यहां से फाई निकलेगा। भाई फ्लक्स तो यूनिफॉर्म है, फ्लक्स तो पूरे सिस्टम में सेम मिल जाएगी हमको, फ्लक्स का तो ऐसा नहीं होता कि एयर गैप और सिस्टम का ये मैग्नेटिक फील्ड का अलग हो गया, तो सेम है अगर फ्रिंजिंग नहीं हो रही है तो ऐसा अगर मैं कुछ करूं तो मेरे पास सारा डेटा भी मिल जाएगा और फ्लक्स भी निकल आएगी। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूं। अब देखो ये क्या फॉर्मूला बन गया यहां से, अब मैं यहां से आपको बोल सकता हूं कि चलो अब हम एक काम करते हैं, लेट अस फाइंड द MMF ऑफ एयर गैप विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला फाई इंटू रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप। ठीक है, MMF ऑफ एयर गैप कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, अरे ये नो की स्पेलिंग गलत हो गई है, सो वी नो दैट, ये कहां से नो दैट आ रहा है, क्वेश्चन से ही आ रहा है, देखेंगे, MMF ऑफ स्टील सेक्शन इज 35% ऑफ टोटल MMF, ये आपको न्यूमेरिकल के अंदर ही दिया हुआ है कि एक जो टोटल MMF है इस पूरे सिस्टम की उसकी 35% जो है वो स्टील सेक्शन के कारण बन रही है, स्टील सेक्शन के अंदर बन रही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि MMF ऑफ स्टील के लिए लिखता हूं 35/100 इंटू 1575, ये टोटल MMF की वैल्यू है, इसका 35% तुरंत निकाल लेता हूँ, पता चल जाएगा स्टील का कितना है, और स्टील वाली MMF को टोटल MMF से जैसे ही मैं माइनस करूंगा जो बचेगा दैट विल बी MMF ऑफ एयर गैप। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, तो चलो करते हैं, MMF ऑफ स्टील सेक्शन इज, चलो देखते हैं इसका 35% कितना निकलना चाहिए भाई, तो इट इज 1575 का 35%, तो ये आ गया मेरे पास 551.25 एम्पियर टन्स, 1575 माइनस 551.25 कर दूंगा तो एयर गैप का भी आ जाएगा सीधे सीधे, देयरफोर MMF F ऑफ एयर गैप शुड बी इक्वल टू MMF टोटल माइनस MMF ऑफ स्टील, टोटल में से स्टील की MF को माइनस कर दो जो बचा दैट इज MMF ऑफ एयर गैप। तो चलो इसी सेम थिंग को फॉलो कर लेते हैं, अब क्या करते हैं देखो, सेकेंड पार्ट में बनाते हैं, देयरफॉर MMF ऑफ एयर गैप इज,
मैंने माइनस करके रखा हुआ है, इट इज़ 1023.75 एम्पियर टर्न्स। तो ये हमारा अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा जो है वो आ चुका है, दैट इज एमएफ ऑफ एयर गैप। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, साथ में बने रहिए मेरे। आगे कंटिन्यू करते हैं सोल्यूशन को। अभी करना क्या है हमको, ये एमएफ ऑफ एयर गैप यहाँ पे चाहिए थी, ये वैल्यू चाहिए थी, ये कैलकुलेट हो गया यहाँ पे आके। फिर मुझको चाहिए रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप, रिलक्टेंस। तो एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं उसके लिए भी कर लेता हूँ। नाउ रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप एस जी इज लेंथ ऑफ गैप अपॉन एरिया ऑफ एयर गैप इंटू म्यू नॉट म्यू आर ऑफ एयर गैप। मैंने एयर गैप ही क्यों सेलेक्ट किया आपके माइंड में आ रहा होगा, वो इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे म्यू आर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, म्यू आर ऑफ एयर गैप इज ऑलवेज वन, तो इससे आपको कोई इशू नहीं जाने वाला है। सीधे सीधे आप इसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे, रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप इक्वल्स टू, अब लेंथ ऑफ एयर गैप जितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं, चलो कितना दिया हुआ है लेंथ ऑफ एयर गैप। ये देखो यहाँ लेंथ ऑफ एयर गैप आपको दिया हुआ है 1.5 × 10⁻³। ठीक है, तो इसको पुट कर लेते हैं, तो 1.5 × 10⁻³ अपॉन एरिया ऑफ एयर गैप। तो एरिया तो पूरे सिस्टम में सेम होने वाला है, तो आई गेस इट वॉज 0.0007। ठीक है, देन म्यू नॉट की वैल्यू तो सेम होती है, यूनिफॉर्म है, 4π × 10⁻⁷ और म्यू आर ऑफ एयर गैप इज 1। इतने को ही सॉल्व करना है, चलो क्विकली इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करते जाओ जल्दी से। 1.5 × 10⁻³ अपॉन 0.0007 इंटू ब्रैकेट में है 4π × 10⁻⁷ और इससे जो वैल्यू आ रही है रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप इज 1705231533 एम्पियर टन्स पर वेबर। ठीक है, रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप भी आ गई, चलो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमको पता रहे कि कौन कौन सी वैल्यू हमको पुट करनी है सिस्टम में। ठीक, तो अब देखो मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू यहाँ आ चुकी है, जो डिजायर्ड था उसमें से कितना कुछ फाइंड कर लिया हम लोगों ने, एम एफ ऑफ एयर गैप फाइंड हो गया वहाँ पे, रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप ये भी फाइंड हो गया। तो अब करना क्या है, सीधे फ्लक्स की वैल्यू चाहिए हमको, तो सीधे लिख लेते हैं यहाँ पे, देयरफोर फाई इज इक्वल्स टू एम एम एफ ऑफ गैप अपॉन रिलक्टेंस ऑफ गैप, दैट इज इक्वल्स टू 1023.75 upon 1705231533। इसको डिवाइड करना है, ठीक है, चलो क्विकली डिवाइड कर लो आप लोग भी मेरे साथ। सो 1023.75 upon 1705 upon 1703.1533। और मेरे पास देखो यहां से फाई की वैल्यू, एक पेज और ले लेते हैं, तो यहां मेरे पास देखो फाई की वैल्यू अब आ गई है 0.006 वेबर्स। ठीक, हाईलाइट कर लो इसे भी, वैल्यूज आप लोग भी चेक करते जाओ। ठीक है, क्या मैं सेलफोन में कैलकुलेट कर रहा हूं, अगर कुछ वैल्यू गड़बड़ होती है तो इशू हो जाएगा, तो वैल्यू आप लोग भी साथ ही साथ चेक करते जाओ, मेथड समझते जाओ, वैल्यू तो आप लोग सही ले आओगे, उसका मुझको टेंशन नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, देखें और क्या पूछा हुआ है अपने क्वेश्चन में भाई। वापस अपने मेन पेज में आ गए, देखो क्या क्या फाइंड आउट कर लिया अभी तक हम लोगों ने, एम एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब फ्लक्स डेंसिटी ऑफ एयर गैप चाहिए हमको, एयर गैप में कितनी फ्लक्स डेंसिटी है, तो चलो ठीक है एयर गैप की फ्लक्स डेंसिटी भी फाइंड कर लेते हैं, वो तो अभी अब और आसान हो गया है। तो थर्ड पार्ट में पूछा है फ्लक्स डेंसिटी ऑफ
एयर गैप, दैट इज बी ऑफ जी। तो ये हमको फॉर्मूला तो पता ही है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है यहाँ पे गैप का। तो फ्लक्स डेंसिटी ऑफ एयर गैप इज इक्वल्स टू, फ्लक्स तो अभी जस्ट कैलकुलेट किया 0.006 अपॉन एरिया ऑफ एयर गैप 0.0007। डिवाइड कर लो आप लोग भी 0.006 अपॉन 0.0007 और फ्लक्स डेंसिटी ऑफ गैप मुझको यहाँ से मिलती है 8.571। यूनिट बताओ जल्दी से, टेस्ला। ठीक है, तो इसकी यूनिट मिल गई मुझको यहाँ से। तो जो पूछा था डिजायर्ड पार्ट कंप्लीट, यहाँ पे थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ एयर गैप। इजी था, फॉर्मूला बेस्ड ही है सब कुछ। चलो, इसमें टफ जैसी कोई चीज़ है नहीं, आप लोग पूरे फोकस के साथ वीडियो देखते रहिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते जाना, जितना जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ आराम से बनेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो, क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो क्वेश्चन को रीड करके उससे चीज़ों को फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, क्या अप्रोच होगा, बस यही तीन चीज़ तो है और कुछ भी नहीं है खास। तो देखो, हमारे पास ये सेक्शन का जो है फ्लक्स डेंसिटी ऑफ गैप कंप्लीट, तीन चीज़ें हो गई, लास्ट बचा म्यू आर ऑफ स्टील, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ स्टील। कैसे फाइंड करेंगे सोचो, दिमाग लगाओ आप लोग। तो चलो मैं लिखता हूं, अब नेक्स्ट पार्ट है पॉइंट नंबर फोर। पॉइंट नंबर फोर में बोला हुआ है रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ स्टील। कैसे फाइंड करें, देखो फाइंड करने के तो चार पांच तरीके हैं, आप बहुत सारे तरीकों से फाइंड कर सकते हो, कई सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारा कुछ है। मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ सबसे आसान तरीका, सबसे छोटा तरीका, शॉर्टेस्ट वे, जो किसी भी स्टूडेंट को समझ में आ जाए, मतलब जिसका इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट ना भी हो ना उससे भी बनने लगे क्वेश्चन, मैं ये भी चाहता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं हमको क्या क्या चाहिए। म्यू आर ऑफ स्टील, चलो दिमाग में एकदम फटाफट आप लोग सोचो, इमेजिन करो कि म्यू आर जो होता है रिलेटिव परमिबिलिटी कौन कौन से फॉर्मूले के अंदर में आता है। तो एक फॉर्मूला तो जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नोन है वो है रिलक्टेंस का फॉर्मूला, एस इक्वल टू एल अपॉन ए म्यू नॉट इंटू म्यू आर, इसमें तो आता है। ठीक है, अच्छा और क्या तरीका है मेरे पास है, MMF इज इक्वल टू फाई एस का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फाई की वैल्यू मेरे पास नोन है, MMF की वैल्यू मेरे पास नोन है, कैसे भी करके अगर इस फॉर्मूले के अंदर की ये सारी चीज़ें पता चल जाए तो म्यू आर तो मैं निकाल लूँगा। बट आपका फोकस किस चीज़ में होना चाहिए भाई, आपका फोकस होना चाहिए इस चीज़ में, आपको बोला हुआ है रिलेटिव परमिबिलिटी पूरे सिस्टम का नहीं सिर्फ स्टील का। तो फिर मैं एयर गैप का क्या करूँ, मुझको ज़रूरत ही नहीं अभी फ़िलहाल एयर गैप की। तो मतलब मुझे करना ये चाहिए कि मुझे ये रिलक्टेंस ऑफ स्टील लिखना चाहिए यहाँ फॉर्मूले में, फ्लक्स तो भाई यूनिफॉर्म है तो फिर यहाँ MMF भी स्टील का हो जाएगा। तो इससे मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, अब MMF ऑफ स्टील शुड बी इक्वल टू फ्लक्स और मल्टीप्लाइड विथ रिलक्टेंस ऑफ स्टील। तो उससे क्या होगा, जैसे ही मैं लिखूंगा रिलक्टेंस ऑफ स्टील उससे यहां पे आ जाएगा म्यू आर ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील। क्लियर, ये सारी चीजें नोन है, ये अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, बन गया फॉर्मूला इसके लिए भी। चलो इस पूरे को अप्लाई कर देते हैं, अब ये पूरा डेटा मैं हटा देता हूं, अभी फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, सीधे मैं लिखूंगा अब इसका फॉर्मूला। क्या होता है, यही बेसिक अप्रोच है कि कैसे मैं फॉर्मूले तक पहुंचता हूं और कैसे आप लोग भी फॉर्मूले तक पहुंच सकते हो। तो अब इस पे लिखते हैं MMF ऑफ स्टील इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस ऑफ स्टील, स्टील पार्ट का रिलक्टेंस जो होगा वो लिखोगे आप। ठीक है, स्टील का MMF जो है आपको याद होगा कि किसी एक पेज में हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, कहाँ कैलकुलेट किया हुआ है चलो देखें जरा खोजें। देखो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ था हमारे क्वेश्चन में, MMF ऑफ स्टील सेक्शन इज 35% ऑफ टोटल। तो हम लोगों ने टोटल फाइंड किया उसका 35% किया और हमको मिला MMF ऑफ स्टील 551.25। तो मैं क्या करूँगा, मेरे लिए ये डेटा काम का है, मैं इस पर्टिकुलर डेटा को उठा लेता हूँ यहाँ से, ये वाला डेटा मेरे लिए काम का है। ठीक है, तो अब क्या करूँ मैं इस पर्टिकुलर डेटा को यहाँ से उठाऊंगा,
ये डेटा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, MMF ऑफ स्टील, इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो इसको ले आते हैं वहाँ पे। हाँ तो अब क्या करते हैं हम लोग, अच्छा ये यहाँ पे नहीं आया लग रहा है, चलो ठीक है इसको एक बार फिर से कोशिश करते हैं। MF ऑफ स्टील 551.25, तो चलो ठीक है 551.25 डायरेक्टली लिख लेते हैं मैन्युअली हम लोग खुद से, तो 551.25 दैट इज इक्वल्स टू फ्लक्स, फ्लक्स निकला हुआ है 0.006, दैट इज 0.006 इनटू रिलक्टेंस ऑफ स्टील, रिलक्टेंस ऑफ स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिलक्टेंस के लिए मुझको चाहिए लेंथ ऑफ स्टील अपॉन एरिया ऑफ स्टील इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर ऑफ स्टील, क्लियर है ये चीज। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको तो डिवाइड कर देते हैं 551.25 के साथ, तो 551.25 डिवाइडेड बाय 0.006, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 91875। अब इसको मल्टीपल्स में भेज भी देते हैं ऊपर, ठीक है, तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। या चलो पहले डायरेक्टली लिख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, इसमें थोड़ा डेटा भी डाल देते हैं यार। देखो लेंथ ऑफ स्टील हम लोग पहले फाइंड कर चुके हैं, किसी एक पार्ट में लेंथ हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा हुआ है यहाँ पे, जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि देखो आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अब इसकी ज़रूरत पड़ गई है। लेंथ ऑफ स्टील इज 0.783, ये इसकी वैल्यू जो है 0.783, इसी की हमको ज़रूरत है, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। तो यहाँ पे अब इस वैल्यू की ज़रूरत है, ठीक है, तो ये मैं 0.783 को यहाँ प्लेस कर लिया। अब मुझको क्या चाहिए, एरिया ऑफ स्टील भी चाहिए, तो एरिया ऑफ स्टील कितना है भाई, वो तो यूनिफॉर्म था, सेम था, तो 0.0007, ठीक है, इनटू म्यू नॉट की वैल्यू, तो भाई म्यू नॉट की वैल्यू है 4π इनटू 10⁻⁷ और इनटू जो हमारा अननोन क्वांटिटी है दैट इज म्यू आर ऑफ स्टील, वो हमारी अननोन क्वांटिटी है, ठीक है। तो फटाफट सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं कि म्यू आर ऑफ स्टील कितना होना चाहिए, तो चलो भाई मल्टीपल बना लो जल्दी से सबके। देयरफोर म्यू आर ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0.783 अपॉन 91875 इंटू 0.007 इंटू 4π इंटू 10⁻⁷। इतनी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लो, आपका लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो जल्दी से क्विकली आप लोग भी मल्टीप्लाई कर लो, 0.783 अपॉन 91875 इंटू 0.007 इंटू 4π इंटू 10⁻⁷। तो म्यू आर ऑफ स्टील पार्ट ये निकल के आया यहाँ से 9720 और इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है स्टील सेक्शन की, ये हमारा एक और आंसर आ गया यहाँ से, ठीक है। तो सॉल्यूशन पार्ट में एक बार वापस चलते हैं, देखते हैं हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को पूरा शुरुआत से। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था हमको डायमीटर ऑफ इस एंटायर रिंग का डायमीटर दिया हुआ था, इसके अंदर जो एयर गैप है उस एयर गैप की लेंथ, इस पूरे रिंग का थिकनेस का डायमीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न, करंट, इतना ही दिया हुआ है। सबसे पहले पूछा MMF, फिर पूछा फ्लक्स, देन फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप, और उसके बाद म्यू आर ऑफ स्टील, इतना चीज पूछा। हम लोगों ने अप्रोच कैसे किया इसमें, हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या किया, उस डायमीटर के हेल्प से लेंथ कैलकुलेट कर लिया, लेंथ किसका, पूरी रिंग का लेंथ कैलकुलेट किया।
रिंग का लेंथ हमारे पास आया एल टोटल 0.785 मीटर्स, ठीक है। इस लेंथ के बाद एयर गैप की लेंथ को अगर मैं इससे माइनस कर दूं तो जो बचा दैट इज द लेंथ ऑफ स्टील सेक्शन, तो ये स्टील की लेंथ भी कैलकुलेट हो गई। देन क्रॉस सेक्शन एरिया पे आए, दैट इज पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, इसके अंदर वैल्यू पुट किया, डी यानी वो 3 सेंटीमीटर वाला जो उसकी थिकनेस का डायमीटर था वो पुट किया, इतना एरिया निकल के आ गया। आगे पूछा वैल्यू ऑफ MMF, तो सबसे पहले टोटल MF निकाल लिया NI के फॉर्मूले से, N दिया हुआ था हमको, I दिया हुआ था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, MF की वैल्यू आ गई। नाउ नेक्स्ट, फिर हम लोगों ने क्या किया, MMF ऑफ एयर गैप कैलकुलेट किया, ठीक है। MMF ऑफ एयर गैप इज इक्वल्स टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप। अब MMF ऑफ एयर गैप कैसे निकालोगे, तो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि यू हैव टू अज्यूम, देख लो यहां से, इसके अंदर लिखा हुआ था कि अज्यूम दैट स्टील सेक्शन टेक्स 35% ऑफ टोटल MMF, स्टील वाला हिस्सा जो है वो पूरी MMF का 35% उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग बोले कि ठीक है स्टील का जो MF होगा इट इज 35% ऑफ द एंटायर MMF, पूरी MF का 35% लिया और हमको मिल गई MF ऑफ स्टील। इसको टोटल MMF में से माइनस कर दिया तो जो बचा दैट इज द MF ऑफ एयर गैप, तो ये हमको मिल गया यहाँ से एयर गैप का MF, इसको यहाँ से पुट कर लिया इस पॉइंट के अंदर। रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप चाहिए था फिर नेक्स्ट, तो हम लोगों ने रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप फाइंड कर लिया इस फॉर्मूले के हेल्प से, म्यू आर की वैल्यू 1 थी, रिलक्टेंस भी निकल के आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को, इसको और इसको पुट कर दिया हम लोगों ने इस फॉर्मूले के अंदर, यहाँ से फाई कैलकुलेट कर लिया, बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखो इसका अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ साथ ही साथ। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फाई कैलकुलेट कर लिया, फाई की भी कुछ वैल्यू मिल गई, नेक्स्ट पेज में आ गए, फाई 0.006 वेबर्स मिल गया। आगे थर्ड पार्ट में पूछा था फ्लक्स डेंसिटी ऑफ एयर गैप, तो एयर गैप का फ्लक्स डेंसिटी निकालने के लिए आपने लिखा फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो फ्लक्स के साथ एरिया पुट कर दिया, इतनी मिल गई फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप, ठीक। लास्ट पार्ट में पूछा है रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ स्टील, सिर्फ और सिर्फ स्टील सेक्शन का रिलेटिव परमिबिलिटी, तो ऑब्वियस थिंग है एयर का तो पूछेगा नहीं, उसकी वैल्यू तो वैसे ही वन रहती है, स्टील का ही पूछेगा आपसे, तो स्टील की रिलेटिव परमिबिलिटी पूछा हुआ है, दैट इज फाई इंटू एस, एस ऑफ स्टील और MF ऑफ स्टील। तो पिछले पार्ट से हमारे पास MMF ऑफ स्टील ऑलरेडी कैलकुलेटेड था 551.25, इसको हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर लिया और फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिया, रिलक्टेंस ऑफ स्टील में उसका फॉर्मूला बिठा लिया, फॉर्मूले के अंदर कौन कौन सा डेटा अवेलेबल है, तो इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास लेंथ अवेलेबल था, एरिया अवेलेबल था, म्यू नॉट अवेलेबल था, लेकिन कौन सी चीज़ जो थी नहीं अवेलेबल है वो है म्यू आर ऑफ एस, यही तो कैलकुलेट करने को बोला हुआ है इसमें, ठीक है। सभी वैल्यूज़ को इक्वेट कर लिया, इसको सॉल्व कर लो, इतना कुछ वैल्यू आपके पास म्यू आर ऑफ स्टील की मिलती है। तो ऐसे अप्रोच करोगे, देखो क्वेश्चन कितने भी बड़े हों आप बिल्कुल काम और कूल रहते हुए उसको आराम से सॉल्व करो, पूरी डेटा को पहले समझो कि क्या पूछा हुआ है, कैसे इस पर अप्रोच करना है और फॉर्मूले का ट्रिक, फॉर्मूले का तरीका कैसे बनाना है, कैसे सोचना है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो आपको मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ड्यूरेशन में बताया है उसको अप्लाई करते जाओ, तो क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो ना बने आपसे, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ज़्यादा आसान है, मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें कोई भी ऐसा टफ पार्ट नहीं है। जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ है हमसे नहीं बन रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये बिल्कुल जितने भी तरीके से मैंने बताया, मैं तो सबसे कोशिश कर रहा हूँ ईजीएस्ट तरीके से बनाऊँ, आसान से आसान तरीके से बनाऊँ, भले टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे कोई इशू नहीं, अभी आप प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हो, आगे चल के जब हम और ज़्यादा फ्लो बनाएंगे, जब आप इस सब में बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर चुके होगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली और ज़्यादा स्पीड से सॉल्व करेंगे और जल्दी बनाएंगे इसके सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये था पूरा क्वेश्चन, इसको हम लोगों ने ऐसे सॉल्व किया हुआ है, आई होप कि आपको इस वीडियो में ये सॉल्व करने का तरीका समझ में आया होगा। आगे के लेक्चर्स में मैं आपके साथ और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैग्नेटिक को लेके मुझे कई स्टूडेंट्स ने बोला हुआ है कि सर मैग्नेटिक के न्यूमेरिकल थोड़ा ज़्यादा कराइएगा दूसरों के कंपैरिजन में, उसमें थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आता है लोगों को, तो मैं आगे आफ्टर पार्ट 3 या जो टाइप 3 हम लोग बनाएंगे उसके बाद भी मैं एक दो वीडियोस और लेके आऊँगा जिसमें थोड़े और ज़्यादा न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और इस पर्टिकुलर सीरीज़ में आप लोग मेरे साथ अब जुड़े रहिए, क्योंकि अब आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल सेशंस हम लोग और करने वाले हैं, बहुत कुछ अच्छा अच्छी चीज़ें भी मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, इंक्लूडिंग ऑल द टाइप ऑफ टेस्ट क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले किसी टाइप के साथ, अगले कुछ और न्यूमेरिकल के साथ, टिल देन थैंक यू वेरी मच।